सबसे बड़ा विषय है कि इन सब रोकथाम के विषयों के साथ साथ जनता में भाव जागृत करना, और जनता का जो भाव जागृत हम करेंगे कि आखिर महिला पुरुष का संबंध ये एक सामाजिक एक ताना बाना, इसमें एक जागृति जरूर पैदा करनी चाहिए कि महिला मेरी, यानी कोई ऐसा नहीं है कि शारीरिक कोई संतुष्टि के नाते से हम लोगों को आपस में कोई संबंध बनाने से जबरदस्ती करने से, आखिर हमारा एक विवाह एक संस्था है, विवाह संस्था के माध्यम से समाज ने बड़ी एक पुरानी एक व्यवस्था को आज तक बना के रखा और बचा के रखा हुआ है। लेकिन महिलाओं में आपस में संबंध यानी भाईचारा, भाई और बहन का रिश्ता, ये हमारे समाज का एक सूत्र होता था जिसमें से महिला और पुरुष ये आपस में एक दूसरे के प्रति मान सम्मान का भाव रखते थे, वो कहीं लैग कर रहा है। और हमने तो अपने यहाँ महिला को माँ माना है और महिला की यानी पूजा की है, दुर्गा माना है हमने, तो इसीलिए कि महिला के प्रति मन में जो भाव है समाज के, वो मातृभाव बने, वो बहन और भाई का एक रिश्ता बने। और इसमें से हरियाणा बहुत चीजों की मान्यता को आज भी मानता है, हालांकि कहीं ना कहीं एक संवैधानिक तौर के ऊपर कुछ चीजों का एक टकराव ये जरूर दिखता है, लेकिन उसके ऊपर जन जागरण को करना पड़ेगा। आज हमारे यहाँ खाप पंचायत को बदनाम किया गया है, बहुत से ऐसे विरोधाभासी विचार इस बारे में आते रहे, लेकिन खाप का एक सूत्र जो मुझे ध्यान में आया, उनका कि एक गांव के अंदर जो कहते हैं कि सगोत्र विवाह नहीं होना चाहिए, ये साइंटिफिकली भी प्रूव हो गया कि सगोत्र विवाह नहीं होना चाहिए, गांव की गांव में शादी न करें, इसका अर्थ यह है कि गांव के अंदर बच्चों में ही शिक्षा दी जाती है कि भाई बहन का भाईचारा ये बना रहे। गुजरात एक ऐसी स्टेट है, उस स्टेट में हर लड़की और महिला उसके नाम के आगे क्या लगता है, बहन लगता है, और हर पुरुष और लड़के के नाम के आगे भाई लगता है। इसका अर्थ क्या है, उन्होंने सामाजिक अपनी परंपरा बना रखी है। हम भी यानी स्वामी विवेकानंद का वो विचार उठा करके देखे, जब अमेरिका में शिकागो में उन्होंने भाषण दिया और उन्होंने भाषण में पहला जो संबोधन किया था, माय डियर अमेरिकन क्या ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इसी के ऊपर क्लैपिंग हुई। अब ये उनको कल्पना कभी थी नहीं कि कोई एक इतनी दूर से व्यक्ति आकर के अपने अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स करके संबोधित करेगा। तो उस भाव को भी जागृत रखना ये हमारा काम है, ताकि इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं उसमें उसमें कम ना कम मन में सोच अगर ऐसा आता है कि नहीं मेरा जो मेरा जो विचार है वो मन में अगर ठीक है, तो गलत परिस्थिति से किसी व्यक्ति किसी महिला को किसी बच्चे को लड़के को देखने की हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए। कोर्सिव मेथड पनिशमेंट ये कुछ लोगों को दी जा सकती है, लेकिन जब भाव ज्यादा लोगों के मन में बुरा होता है तो इन चीजों से रुकता नहीं है। आज हम रेप की और महिला विरुद्ध अपराध की जो घटनाएं देखते हैं, जो इसी एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है उसमें उन्होंने कहा है कि 93% ऑफ दीज क्राइम्स दे आर बिटवीन नोन्स, जिसमें हाफ मोर देन हाफ इज बिटवीन रिलेटिव्स। अब इन चीजों को रोकने के लिए तो जन जागरण ही संभव है। आप पुलिस के द्वारा इतने सारे मैयस ऐसे नहीं ले सकते कि रिश्तेदारों के बीच में परिवार के अंदर हम हर घर में पुलिस बैठा सकें, ये संभव नहीं है। इसलिए मैं सभी खास करके एनजीओ के हमारे जो यहाँ लोग बैठे हैं, जन जागरण की दृष्टि से इन सारे सिस्टम्स पर आगे बढ़े। और इसमें जो कई बार विचार ये आ जाता है कि हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, संविधान ने अधिकार दिया है, कोई किसी से भी शादी करे, कोई कुछ भी करे, लिव इन रिलेशनशिप, ये वो ये सब, ऐसे सिस्टम्स पाश्चात्य जगत में हो सकते हैं। भारत के लिए जैसा बताया, हर देश का अपना एक विचार होता है, वातावरण होता है, संस्कृति होती है, संस्कार होता है, तो संस्कृति और संस्कार के हिसाब से अपने देश में ये जो भाई और बहन का रिश्ता, मातृत्व का जो एक यानी नारी के प्रति जो सोच, उसके अंदर हमारे यहाँ श्लोकों में भी लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है देवता वहीं वास करते हैं। तो इस भाव को मन में लेकर यदि हम करेंगे तो ये काम केवल बुद्धि से करने का नहीं है, मन और आत्मा से करने का है। तो इसलिए एक संवेदनशीलता अगर हमारे मन में आती है तो हम इन चीजों पर यानी रोक पाएंगे, महिलाओं के या बच्चों के विरुद्ध जो अपराध होता है इसको हम रोक पाएंगे। और इस बात को यदि हम अपने विचार में ला सके, अपनी चर्चा में, और इसको यदि लगता है कि ये उचित भाव है, तो इस पर जरूर विचार करें और